नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थावास। कायमगंज फरुखाबाद नंदे नगला में रहने वाला रमेश यादव पुत्र राजाराम यादव को उसी के गांव में रहने वाले संजीव यादव रमेश यादव को भूसा का कूप बनवाने के लिए साथ ले गए। उसे शराब पिलाकर नशे में करके उसके नाजुक अंग पर राड या डंडे की सहायता से हत्या करके उसी के दरवाजे पर डाल दिया। पानी डालने पर रमेश नहीं उठा तो रमेश के भाई अवधेश ने कंपिल थाने सूचना दी। पुलिस फोर्स ने मौके पर जाकर शव को सील किया। सूचना पाकर कप्तान साहब और एडिशनल महोदय मौके वारदात पर पहुंचे। जब छानबीन की गई तब संजीव यादव और उसकी पत्नी दोनों अपने घर से फरार थे। रमेश यादव के 5 भाई और 1 बहन है, जिनमें सबसे बड़ा अवधेश यादव, उसके बाद उमेश यादव, दिनेश यादव, रमेश यादव, राम रतन यादव तथा एक बहन सोनी है, जिनमें अवधेश और उमेश की शादी हो चुकी थी, जबकि रमेश अविवाहित था। उसकी आयु लगभग 26 वर्ष थी। अबरी कहाँ के हैं? कहाँ की दासी? ये कायमबाग है, नंदीनगरा है। नंदीनगरा की? नाम क्या था? रमेश। रमेश, और इनके भाई का नाम? दिनेश। दिनेश, शादी हो गई इसकी? इसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, वो ट्रैक्टर से बता रहे हैं जो नंदीनगरा में। अच्छा, मारने वाले का पता है कौन है? हाँ। क्या नाम है मारने वाले का? यही है, तो बता दी क्या नाम है। संजीव। मारने वाले नाम संजीव, और मारने वाले का नाम संजीव है। संजीव, और कोई इसके अलावा? और अब पता पकड़ा जाए तो पता चलेगा। अच्छा, पकड़े नहीं गए अभी तक? अभी कोई पकड़ा नहीं गया। अच्छा, आप कौन हैं इनके? हम इनके भतीजे। भतीजे हो? इनके पिताजी नाम क्या है? राजा राम। राजा राम, अच्छा अच्छा। कायमगंज तहसील ब्यूरो, राजीव कुमार की रिपोर्ट।